हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? इस मैच में हम आपको WCC3 की टेस्ट मैच की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपने कभी सोची नहीं होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको एक टेस्ट मैच लगा लेना है। मैंने सारी चीज़ फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, मैंने सब कुछ पहले ही लगा लिया है। अब हम डायरेक्ट बॉलिंग करेंगे। तो टॉस हम हार गए थे, दूसरी टीम ने पहले बॉलिंग ली थी तो हमने पारी डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों आप ध्यान से देखना, जैसे ही मैं फील्डिंग जमाऊंगा आपको भी वैसी ही फील्डिंग जमानी है। कुछ भी नहीं करना, ऐसी कि बिल्कुल सेम टू सेम फील्डिंग जमानी है। अगर आपको सारे खिलाड़ियों को 2 से 3 ओवर में आउट करना है तो ऐसी फील्डिंग जमानी है आपको। ऑफ साइड में 4, लेग में 4 और 1 स्लिप में। देख लीजिए, आपको ऐसे ही जमानी है बिल्कुल फील्डिंग। ये हम पहली बॉल डालते हैं। आपको बॉल का टप्पा पे रखना है, आपको बॉल का टप्पा देखिए जहाँ पे मैं रखता हूँ यहीं पे रखना है बिल्कुल। और ये देखिए पहले विकेट क्या आसानी से, ऐसे आपको सारे विकेट मिल जाएंगे। फिर से हम वहीं टप्पा रखते हैं। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल पे विकेट मिले, कोई बॉल वाइड जाएंगे कहीं पे रन आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है हर बॉल पे विकेट मिले, लेकिन ज़्यादा बॉलों पे विकेट ही आएंगे। आपका टप्पा सही हो तो विकेट ही आएंगे। ये देखिए एक और कैच, आप हैट्रिक भी कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे टेस्ट मैच पॉइंट बढ़ा के आप NPL और माई करियर भी खोल सकते हैं, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा अभी। ज़रूरी नहीं है हर बॉल पे रहना है। देखिए ये एक और विकेट देखिए, अभी 5 बॉल डालिए और 3 विकेट ले चुके हैं। ऐसे फील्डिंग करके हम 2 से 3 ओवर में पूरी टीम को ऑल आउट कर सकते हैं। ये देखिए क्या आसानी से किया, एक ओवर 4 विकेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें।